सुप्रभात बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी विषय में मैंने आपको सूरदास रचित पद पढ़ाया था, उसका वीडियो भेजा पहला। आज हम दूसरे पद को देखते हैं। गोपियां उद्धव से अपने मन की बात कहते हुए कहती हैं, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही। हे उद्धव जी, हमारे मन की बातें तो मन में रह गई, हम किससे जाकर कहें, कह भी नहीं सकते, चुप भी नहीं रहा जाता और कहा भी नहीं जाता, और कौन है जो हमारी पीड़ा को समझेगा, हम तो किसी से कह भी नहीं पाती हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। गोपिया कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन में छिपी बात तो मन में ही रह गई, हमने सोचा था कि कृष्ण आएंगे तब हम उन्हें विरह अलगाव में जो कष्ट हमने सहा है उसकी बातें बताएंगे, लेकिन कृष्ण तो आए नहीं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, हमने जो इतना कष्ट सहा उसका एकमात्र आधार था कि कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब गोपिया कहती हैं कि कृष्ण ने जो निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने का संदेश भेजा है, उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर, कृष्ण ने हमें त्याग दिया है और हमें निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश भेजा है, ये संदेश जो है ये हमें बहुत दुखी कर रहा है। हम अपनी रक्षा के लिए जो है गुहार लगाना चाहती हैं, चाहती होती गुहार जितें तें उतते धार बही। गोपियां कहती हैं कि बिरह दुख के सागर में डूबती हुई हम गोपियां जो हैं, जहां से सहायता मिलने की आशा थी वहां से हमारे खिलाफ बात आ गई, जहां से उम्मीद थी कृष्ण से, कृष्ण ने हमारी उम्मीद को तोड़ दिया और योग संदेश रूपी जल की ऐसी धारा बही है कि हमारे प्राण को लेकर के ही इसका अंत होगा। यानी कि श्री कृष्ण ने हमें योग साधना का संदेश भेजकर हमारे प्राण ले लेने का कार्य किया है। हे उद्धव, तुम ही बताओ सूरदास अब धीर धरह क्यों मर जादा न लही। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम कैसे धैर्य धारण करें, कृष्ण ने तो अपनी सभी मर्यादाओं को त्याग दिया है, उसने प्रेम की मर्यादा को पूरा नहीं किया, प्रेम की मर्यादा है प्रेम के बदले प्रेम, प्रेम का प्रतिदान प्रेम के रूप में, लेकिन कृष्ण ने तो योग संदेश भेज दिया है, श्री कृष्ण के द्वारा हमें त्याग देने से हमारी भी मर्यादा अब नष्ट हो गई है और हमारे अंदर का धैर्य जो है वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ। गोपियों को पहले विश्वास था कि जब कभी कृष्ण मिलेंगे तो वो उन्हें अपनी पीड़ा सुनाएंगी, लेकिन कृष्ण स्वयं नहीं आए, उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। गोपियों को लगता था